प्रदेश सरकार ने बाराबंकी के सुबेहा नगर पंचायत ने नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गरीबों के इलाज की सुख सुविधा के लिए बनवाया तो है। यहाँ पर निश्चित रूप से मरीजों के लिए डॉक्टर पॉइंट तो हैं, लेकिन वहाँ आते नहीं, केवल कंपाउंडर के सहारे ही अस्पताल में इलाज हो रहा है। सरकारी अस्पताल मरीज आते हैं लेकिन वापस घर लौट जाते हैं, जिससे मरीजों को बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है। इस संबंध में अधीक्षक हैदरगढ़ का कहना है कि जल्द ही स्थिति बेहतर होगी, यहाँ जल्दी से डॉक्टर भेजे जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के प्रमोशन में आरक्षण पर की गई टिप्पणी के बाद से ही देश की राजनीति में उबाल आ गया है। बसपा के नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री रहे आर के चौधरी ने आज BS4 के बैनर तले आरक्षण बचाओ पैदल मार्च निकाला और भाजपा सरकार पर दलित विरोधी होने का आरोप भी लगाया। आगे उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा सरकार की गलत दलीलों के आगे आरक्षण को लेकर दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय लिया। राज्य सरकारें आरक्षण देने के लिए बाध्य नहीं है। सरकार दलित और लाचार पिछड़ों आदि को जब तक अच्छी जिंदगी जीने का मौका नहीं देगी, तब तक आरक्षण बरकरार रहेगा। आईडी ऊपर करो, आईडी अपनी प्रेस क्लब में हम लोगों ने कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस साथियों से बात किया, उसके बाद परिवर्तन चौक पे इकट्ठा हुए और वहाँ से पैदल चलते हुए आरक्षण जिंदाबाद का नारा लगाते हुए, बाबा साहब अमर रहे के जिंदाबाद नारा लगाते हुए यहाँ तक पहुँचे। देखिए, हमारी मांग है कि सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा सरकार की गलत दलील के नाते। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के संस्थापक एवं प्रख्यात शिक्षाविद डॉक्टर जगदीश गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के साथ मिलकर वर्ल्ड पार्लियामेंट बनाने की अपील की है। वहीं लखनऊ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जगदीश गांधी ने कहा कि विश्व सदन को यूरोपीय सदन की तरह बनाना चाहिए, जो कि 27 यूरोपीय राष्ट्रों का एक संगठन है और ये संगठन इन यूरोपीय राष्ट्रों की एकता, शांति और समृद्धि हो। मनुष्य के कार्य हमेशा जीवित रहते हैं, मनुष्य को नहीं जीवित रहता उसके कार्य रहते हैं। मैं दोनों से कहना चाहता हूँ, आप दोनों अमर हो जाएंगे यदि विश्व को एक करते हैं। और कई पत्र लिखे और ट्रंप को भी पत्र लिखे और ये सारे पत्र हमने प्रेस के सामने भी बांटे। तो ये बताइए सर, मोदी जी ने कुछ कहा? मोदी जी का है, ट्रंप जी का है, क्योंकि लखनऊ के चौक थाना क्षेत्र के पास नेहरू क्रॉस पर कमला पसंद एजेंसी की दुकान में चार नकाब पोश बदमाशों ने लूट के प्रयास से दुकान में ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। इस फायरिंग के दौरान मौके पर मौजूद मजदूर को गोली लग गई, जिसके बाद लेबर को ट्रामा सेंटर भेजा गया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस के पहुंचने से पहले चारों बदमाश फरार हो गए। सुनील कुमार हमारे यहाँ फरार है, यहाँ पर ये लोग दुकान में हमारे यहाँ अक्सर प्रेस पर तुम लोग बैंक का काम करते रहते हैं, तो वहीं पर वो बैठे हुए थे मालिकान, उनके मुताबिक चार नकाबपोश आए हैं जो हेलमेट और मुँह में रुमाल भी बांधे थे और अंदर जा कर के उन्होंने जो नौकर उनका जो भी हिसाब किताब कर रहा था उसके पास से जो भी अमाउंट था वो भी मालूम नहीं है उनको, क्योंकि वो नौकर की डेथ हो गई शायद, हॉस्पिटल ले जाया गया तो वहाँ से लेके जब और जो नौकर था उसको गोली मारी है। इस पर टीम्स लगाई गई हैं, हम तुरंत शूटिंग भी करा रहे हैं एंड मेरी उम्मीद है कि हम इस घटना को खोल लेंगे। सर अभी तक की जांच में क्या कुछ निकल कर सामने आया? सर अभी तक की जांच में नाकेबंदी कराई गई है, चेकिंग चल रही है और भाई नीचे कर लो भैया, भाई नीचे कर ले यार। तो अभी सुराग मिले हैं वाली घटनाओं की और भी मिलेगी, बट उम्मीद है कि हमारी टीम जितनी जल्दी काम करेगी हमें। देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे चैनल अलाइव 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।